अच्छा योर लाइफ ओके ओके गाइस सॉरी सॉरी मुझे पता नहीं था यहाँ पे एक बटन प्रेस करना पड़ता है गो लाइफ के लिए मुझे पता नहीं था आई एम न्यू टू दिस स्ट्रीमिंग थिंग ठीक है तो मुझे पता नहीं था गाइस तो अभी मैंने प्रेस किया सो आई थिंक वी आर लाइव नाउ आई गाइस आई डोंट इवन नो राइट नाउ कि हम लाइव हैं कि नहीं मुझे पता नहीं है हाय बॉयज ओ यस अगोडा की एड आ रही है ऑब्वियसली यू गाइस ट्रैवल अ लॉट फॉर शिट कैसे हो गाइस क्या कर रहे तो आज तुम्हें पता होगा कि मैंने बोला था कि दिल्ली रिव्यू पे आई विल मेक अ वीडियो बट मैं उस रिव्यू में ना ये इन्फ्लुएंसर्स को नहीं डालना चाहता है कि इनके साथ मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा ये क्या रहा तो मैंने बोला आज ना मैं लाइव आके दो बातें शेयर करना चाहता हूँ हम काफ़ी लोगों को मिले दिल्ली जाके बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को तो मैंने बोला उसका जो एक्सपीरियंस है वो हम यहाँ पे शेयर करते हैं राइट right? वो हम लाइव स्ट्रीम में शेयर करते हैं भाई नंगा हो जा होएंगे 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 सुन होएंगे अब काफी लोगों की शिकायत आ रही थी कि भाई स्पेलिंग सीख ले ओ भाई दिल्ली की स्पेलिंग गलत है <laughs> ओ भाई ओ भाई दिल्ली की स्पेलिंग गलत है सॉरी 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 येलो 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 ये ठीक कर दी ओए थंबनेल में भी तो गलत तो नहीं है अरे यार अरे आए रुको दो मिनट थंबनेल चेंज हो रहा है अब बाद में बात होएगी जो मैं भूल गया था स्पेलिंग डेल ही होता है दिल्ली थोड़ी होएगा अबे यार ओए रुक जाओ अभी दो मिनट रुक जाओ दो न्यू थंबनेल लग रहा है अभी ठीक है सेव अ कॉपी कोई बेइज्जती नहीं करेगा रुक जो यंग बॉय ब्रोक अगेन मैन जो दिल्ली की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है बता नहीं सकता था कोई पहले और वो न्यू वाला कहा सेव कर लिया अब ये वेयर द फक डिड आई सेव दिस थंबनेल यार आ क्यों नहीं रहा ये ये रहा आप कोई नहीं बोलेगा ओए कौन लिख रहा है नॉमी फेल अवे ओए 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 देखो लाइफ में मैं पहली बार दिल्ली गया था देखो हो सकता है ये कम ऑन कम ऑन तो गाइज आप साफी सेफ डेट फॉर्म कोई बात नहीं भाई मैं तो बोल दूंगा भाई इनको फोटोशॉप बहुत अच्छा आता है मेरे दोस्तों को गाइज मैं बताना चाहता हूँ आपको दिल्ली का एक्सपीरियंस ठीक है दिल्ली हाँ दिल्ली का एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं हम आपको ठीक है तो काफी लड़के बोल रहे थे शिकायत आई है हमें कि सूर्य भाई आप लाइव स्ट्रीम पे बोल क्यों नहीं रहते कुछ है ना काफी लड़के बोल रहे थे कि आप लाइव स्ट्रीम पे बोल क्यों नहीं रहे थे कुछ तो गाइस मैं उसका रीजन बताना चाहता हूँ बोल क्यों नहीं रहा था गाइस मुझे चुप कराया गया वहां पे <laughs> <laughs> गाइस ये दिल्ली वाले लड़के बहुत तेज हैं गाइस ओए कौन पूछा बोल रहे थे भाई जनरेशन गैप नहीं था भाई उन्होंने बोला सूर्य भाई आप क्या चुप रहेंगे थोड़ा? इंट्रोवर्ट नहीं हूं भाई बिल्कुल इंट्रोवर्ट नहीं हूं मैं ठीक है स्ट्रीम के पहले हम सभी हंसी मजाक कर रहे हैं उन्होंने बोला सूर्य भाई आज एक आप न्यू करेक्टर पकड़ो आया हम एक करेक्टर में ज़ुबान बंद रखनी है मैंने रख ली बंद भाई चीज क्राइस वहां पे लोग मुझे लिख रहे हैं ये वो आपको फ्री स्टाइल नहीं आता गाइस आप ये बात राघावनंद से ही पूछ सकते हैं भाई अगर आपको लग रहा है ना मैं गलत बोल रहा हूँ यू कैन गो एंड आस्क राघावानंद वो भी बोलेगा सूर्य भाई सिक्सटी थ्री के सब्ज वाले से डर गए भाई डरे नहीं वो लड़का तो आया था उसको चाहिए थे सब्ज़ डैंक रिशु के बट बड़ उसके बड़े नहीं बट बड़ कोई बात नहीं भाई होता ही ये ठीक है, है? हार्ट टचिंग मूवमेंट होगी उसकी भी बट चलो भाई क्या कर सकते हैं भाई बाकी हम आपको आज बताना चाहते हैं कि आ, रिव्यू दिल्ली के इन्फ्लुएंसर्स का पूछो गाइस पहले पूछो किसका रिव्यू चाहते हो आप आनंद का लास्ट में होएगा बाकी पहले लोगों को पूछो हम बताना चाहते हैं कौन ऑनेस्टली बताना चाहते हैं हम आनंद का वीडियो देखे देखते हैं मेरे को लुकिंग क्यूट थैंक यू जी सफेद जी आप तो स्टैम्प लग गए हैं ठीक है क्यूट यार ठीक है भाई आ, तो पुलिस आगी पुलिस यहाँ पे पुलिस की बातें हो रही हैं लुकिंग क्यों अर्पित अर्पित वाला जे जय लिख रहा है जे असली में पागल है क्या गाइस मैं बताना चाहता हूं जे ने मेरे साथ किया क्या गाइस वहां पे ठीक है जे ने बोला भाई सूर्य भाई आप आओ हम हम करेंगे मस्ती हम लेंगे विला हम करेंगे वहाँ पे मस्ती ठीक है तो जय भाई आए एंड जय भाई ने अपनी टॉफिया खा ली जो वो दिन की खाते हैं पांच छः ठीक है उन्होंने अपनी टॉफिया खा ली उस लड़के ने मुझे छः घंटे मोटिवेशन स्पीक दी है कि हाउ वी गोना डू ट्वेंटी फोर आवर्स लाइव स्ट्रीम हम एक चौबीस घंटे की लाइव स्ट्रीम कैसे करेंगे तो बीच में एक बात आई मैंने उसे बोला भाई मैंने सोना है वो मुझे बोल रहा है सोने और सोने में फर्क होता है सूर्या भाई आप समझ नहीं रहे हो विजन कल हम चौबीस घंटे लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं और हम पहले ऐसे करेंगे फिर हम वैसे करेंगे फिर हम ये करेंगे फिर हम वो करेंगे गाइस मैं चाहता हूं जेश की टॉफियां छीन ली जाए भाई ठीक है और आपने क्लिप भी देखी होगी इंस्टाग्राम पे जो जो है वो एक्चुअली प्रथम ने बनाई थी कि सोने और सोने में फर्क बहुत होता है वो मैं फाइव आवर्स इन था That actually crazy. मैं मैं चाहता हूं सभी उससे में मिलें, वो भी रात को। कहीं ना कहीं जीपी है, दस मिनट में ओके भाई गुड लक गुड लक जीते तेरी टीम जीते तेरा प्लेयर जीता तेरा ड्राइवर स्पीड इज ब्रो वॉज हाइएस्ट इन द रूम ब्रो आई डो नो भाई आ, आप मैं बताता हूं आप सभी एक एक जय आपकी लाइफ में चाहिए मैं तो बोलता हूं ठीक है जय को बोलना अगर कभी मिले टॉफिया लेके आए अपनी जय इज अ रियली गुड गाय यस भाई यू नो जय क्या करता है जय ने बोला पूरा प्लान बनाया उसने मेरे से नोट्स लिखवाए कि अग, अगले दिन हम पहले घंटे में यह करेंगे दूसरे घंटे में यह करेंगे तीसरे घंटे में ये इन्फ्लुएंसर आएगा फिर ये करेंगे चौथे घंटे में ये करेंगे जब अगला दिन आया स्ट्रीम हुई एक घंटे की स्ट्रीम में क्या हो रहा है <laughs> और बापा कर रहे हैं <laughs> जो जो लिख के गए थे वो उन्होंने एक चीज नहीं की उनमें से ठीक है? <laughs> और मैं वहां बैठा हूं कब स्टार्ट होएगा वो पार्ट <laughs> मैं बैठा हूं वहां पे <laughs> कब स्टार्ट होएगा वो पार्ट रियल <laughs> कन्वर्स कहां से लू जया उपाध्याय पूछ रही है कन्वर्स डॉट इन लॉन्च हो रहा है कन्वर्स डॉट इन Look at that. तीन दिन में कन्वर्स डॉट इन लॉन्च हो रहा है अब तुम तो मुझे बताओ ठीक है तुमने मेरे कितने गाने सुने इस चैनल पे अब छोटू भैया कोई फ्री स्टाइल ही लिखेगा भाई देखो दैट वॉज दी ओनली फ्री स्टाइल है ठीक है, है? वहां पे वहां पे जो उसने मेरे छे घंटे बर्बाद किए मैं तुम्हें बता रहा हूं जय ने इतने आइडिया लिखवा के हम ये करेंगे इसके बाद ये करेंगे इसके बाद वाई जी आ उसके साथ ये अ वेरी गुड आइडिया हम कर लेंगे ये आए अर्पित भाई फ्री स्टाइल कर लो अर्पित का फ्री स्टाइल था ही नहीं वहां पे और मैं वहां पे मैं ऐसे बैठ गाइज ये अपनी टॉफियां खा के संभाल लेते हैं मेरी बात समझो अगर आप एक सेन इंसान वहां पे होते मैं बता रहा हूं आप पांच मिनट में पागल हो चुके होते हैं। आपने बाल नोच लेते आप <laughs> उसके बाद उसके बाद जब एक घंटे का एक घंटा हो जाता था जय भाई उफ मैं बहुत थक गया हूँ भाई स्ट्रीम बंद कर देते हैं आज का हो गया जितनी मैंने परफॉर्मेंस देनी थी ली ठीक <laughs> है एक <laughs> मैंने जे को बोला जे ये आइडियाज सूर्य भाई की जरूरत ही नहीं ये तो हम लिखते हैं प्रैक्टिस के लिए ये कभी यूज नहीं होते का लोड़ा। और और पुछो, और पूछो पूछो बाकी यार ही इज अ वेरी नाइस गाय ठीक है अच्छा रहा उसके साथ बस थोड़े आइडियाज को लेकर जो उसने मुझे एक इट्स आरू आरू बड़ा अच्छा यार <laughs> अच्छा लड़का मिला था आरू से लास्ट डेट मिला था तो यस गाइस उन्होंने मेरे से प्लान कुछ और बिठाया कर कुछ और दिया एंड आवर फ्लेवर गैस स्टडी का रन रेट कहाँ से लिए और कितने में लिए सच सच बोलना भाई मुझे एमआरपी पे मिल गए थे नौ हज़ार के आ, uh, मैंने लिए थे एडिडास डॉट कॉम से मैंने रिसिप्ट भी दिखाई थी एक बारी ब्रो थिंग्स ही इज नॉट कैपिंग व्हाट विल आई गेट फ्रॉम कैपिंग व्हाट विल आई गेट फ्रॉम कैपिंग अच्छा और किसका पूछना चाहते हो तुम और किसको मिला मैं अर्पित तो अर्पित से कैसे मेरी वो हुई मैं बताना चाहता हूँ मैं लाइफ में पहली बार अर्पित से मिला ठीक है कैसे तो मैं मैं रिचू और जय हम एक मॉल में खाना खा के आ रहे हैं ठीक है तो हम कैब से आ रहे हैं और कैब एकदम रुकी पप्पा हमें कर रहा है हमें समझ नहीं आया क्या बोल रहे फिर वहां पे एक लड़का देखा मैंने वहां लड़का एक अर्पित से फोटो खिंचा रहा है भाई मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ मैंने आपका वूषन क्लैन बहुत बार सुना है मैं सुनता रहता हूँ मैं तुम्हें यह बात बताना चाहता हूं हम कैब से निकल चुके हैं और इस रिशु भी खड़ा है उसने ऋषु को पहचानना ही नहीं <laughs> और वो उसको बोल रहा है मैंने आपका वूषण क्लैन मैं रोज सुनता हूँ तीन चार बार वीडियो के साथ देखता हूँ मैं आपका वूषण क्लैन अर्पित बोल रहा है बढ़िया भाई बढ़िया फोटो खिंचा लेते और उसने रिशु को पहचानना ही नहीं <laughs> ना मैंने बोला उधर कि भाई इसका भी वर्षा है <laughs> यार। का प्राइस क्या था रहते हो ना प्रॉब्ली तुम बहुत बार रिशु को देखते हो बट रिशु ऐसा दिखता है ना इन रियल लाइफ तुम इसे पहचान नहीं सकते तुम बोल नहीं सकते वो रिशु है क्योंकि लोग उधर मुझे देख के भाग के आ रहे थे सूर्य भाई सूर्य भाई क्योंकि मुझे ऋषु और जय ने बताया कि सूर्या भाई तुम बिल्कुल वीडियो जैसे लगते हो ठीक है अब मैं मैं जब भी मुझे लोग ऐसे सूर्या भाई, सूर्या भाई। कर उंगली करके कौन आई वाज सो सरप्राइज ये इनको so कैसे नहीं जानते फिर ऋषु बोलता भाई मैं ऋषु नहीं मैं प्रथम हूं वो कहते हाँ प्रथम हो गए प्रथम बात हाँ तभी नहीं पहचाने जा रहा ऋषि तो बहुत मोटा है है भाई भाई ऋषु को तुम सार भाई नहीं है मोटा ऋषु कोई पहचान ही नहीं सकता भाई ऋषु लगता है नहीं इन रियल लाइफ वाला वो पतला सा लड़का ऐसे खड़ा होता है ना लंबा ऐसे देखना पड़ जाता है तो ये कौन है बहुत लंबा है लड़का वो भाई कोई नहीं पहचानता उसे भाई ऐसी मिस अरे नहीं मिस हुई बड़ी तरी ऐसी मुझे पता नहीं लोग दूर दूर से पहचान लेते हैं शकल ऐसी बिल्कुल सेम दिखता जैसे में दिख रहा हूँ ना बिल्कुल सेम लड़के आएंगे भाग, भाग के दूर से भाई और भाई मैं तुम्हें बता रहा हूं ठीक है क्या हुई अभी अभी तुम्हें और बताता हूँ चीज एयरबीएनबी बी के लोकेशन भाई वेस्ट दिल्ली में थी वेस्ट दिल्ली में देख लेना वेस्ट दिल्ली में उसकी लोकेशन उसके बाद और बताता हूँ तुम्हें ठीक है ये ये हम गए थे ये पेसिफिक मॉल गए थे ठीक है क्योंकि वो पास था वेस्ट वेस्ट दिल्ली के और उधर हम गए थे वो करने क्या बोलते हैं क्या गए थे हमने गए थे ऐसे खाने जेमी का है वहाँ पे वहाँ खाने गए तो जाती आ, पहले एक लड़का मिला आ, रिशु का फैन ठीक है एक सरदार जी थे रिशु को पहचान लिया उसने और एक और लड़का था फरीदाबाद तो उसने मुझे पहचान लिया जय वहां पे बोल रहा मुझे कब पहचान लेंगे <laughs> ये क्या है

फिर उसने बोला मेरा ना एक दोस्त आ रहा है दूर से वो चला गया था अभी वो साउथ दिल्ली तक पहुंच गया पर वो मेट्रो से भाई हम तब तक चिलीज चल जाते हैं साथ में चिलीज था हमने कहा वहां खा लेते हैं हम चिलीज में जाके खा रहे हैं भाई उसका दोस्त आया भाग के मम्मी और चिलीज में सारे लोग <laughs> मैं मैं बाल मैं नोच लूंगा अपने भाई उसने इतनी जोर का बोला सुन हमने हाँ उससे पूछा भाई क्या हुआ आपको क्या हो गया कहता फिर आया बता बिग फैन भाई मैंने कहा भाई थैंक यू सो मच भाई थैंक यू भाई मैंने अप्रिशिएट किया भाई लड़का जानता है हमें ठीक है फिर उसने ऋषि को ही मिलाया कहता भाई मैं आपके गले मिल सकता हूँ हम मिले उसके गले भाई हमें अच्छा लगा भाई लड़का अच्छा था गुड गाय ठीक है हमने बोला भाई आप जा रहे थे क्या हुआ मेरी तो जॉब चली गई और वो थोड़े भाई जी की हमारे टोन हाई थी ठीक है थोड़े भाई जी की हम वो समझ नहीं पा रहे थे पास का वातावरण कि पूरा रेस्टोरेंट हमें देख रहा है कि ये चूती है कौन इनको कौन मिलने आ गया तीनों को ठीक है <laughs> और मैं बताना चाहता हूँ इनके साथ ये जो लड़का आया था वो फरीदाबाद वाले लड़के की गर्लफ्रेंड भी थी उसकी गर्लफ्रेंड ऐसे करके खड़ी है ऑल द टाइम जब भी वो चूंक रहे फिर उसके लड़के ने मुझे बोला गाइस मेरी जॉब जा चुकी है मुझे एडिटिंग पे रख लो ही पुट ऑन उसने हमें प्रेशर में डाल दिया एकदम मैंने बोला जरूर भाई आप एक न्यू लैपटॉप तो लो आपने एक वो वो दे दिया ऑफिस वाला वापिस एक न्यू लो हम आपको कर लेंगे कुछ ना कुछ कर लेंगे हम उसके बाद ना तुम्हें मैं सबसे बड़ी चीज बताता हूँ क्या होती है जब भी तुम पहचान लेते हो ना इतनी चीख के तो उसके बाद होता क्या है अब पूरे रेस्टोरेंट को लग रहा है कि ये कोई बहुत ही बड़ी डील है लोग और उनको वो जानते भी नहीं वो सब फिर ऐसे देखते हैं ऐसे, ऐसे। ठीक है भाई <laughs> साले चंडीगढ़ अरे चंडीगढ़ के भी लड़कों को बताओगे अरे नहीं कहीं नहीं बट मैं ये बोलता हूँ भाई जब हाँ आप हमें मिले अपनी थोड़ी भावना से कंट्रोल रखे थोड़ी सी <laughs> बट आई लव मीटिंग यू गाइज भाई बहुत फन था भाई बहुत फन था उसके बाद मुझे लग रहा था कि दिल्ली में बहुत लोग मिलेंगे काफ़ी कम लोग मिले ठीक है उसके बाद और भी ओ भाई सबसे फनी तो वो फर्स्ट डे वाला था भाई लड़का आया डैंक हाथ मिलाया जे को पूरा इग्नोर सूर्य भाई एक फोटो खिंचानी है <laughs> आया वो ऐसे <laughs> ऐसे किया उसी गर्लफ्रेंड ने फोटो खींची और वो चला गया और मैं इतना हंसा रिशु पे मैं कौन सा दोस्त तुझे ये बोला रिशु तेरे से फोटो कोई नहीं बोला ओ भाई बहुत हंसा मैं रिशु पे बहुत <laughs> और मैं सच बोल रहा हूँ ये सबसे बड़ी चीज होती है भाई तुम तीन खड़े हो ना और एक को पहचान ले अब <laughs> दूसरे दो को ना पहचान ले <laughs> भाई क्या खिल्लियां उड़ा रहे हो एक दूसरे की ओ यार मौज मौज <laughs> <laughs> उसके बाद और कौन कौन मिला ये है कौन प्लान ऑन कमिंग मनाली सून भाई सून थैंक यू जी फॉर फोर्टी फोर रूपीज हाँ मैंने राघव की वीडियो देखी दोबारा देखेंगे भाई वो था वहां पे था वहां पे वो उसके बाद किसका रिव्यू चाहिए था तुम्हें कौ कौन लड़का चाहिए था उसके बाद तो ये मैंने बता दी ये थोड़ी फैन इंटरेक्शन इट वॉज अ गुड फैन इंटरेक्शन आई विल ऑलवेज रिमेंबर दैट आई सॉरी आई गॉट योर नेम बट आई रिमेंबर योर नेम भाई डब्ल्यू लोंडा किसका किसका और चाहिए हाँ अर्पित का क्या था हाँ भाई वो लड़का बोल रहा मैं वूशन क्लैन दिन में तीन चार बार ही सुनता हूँ देखता हूँ बाकी नहीं नहीं यार बहुत टैलेंटेड है लड़के मैंने एक चीज देखा वाई जे आर का रिव्यू भाई बहुत डाउन टू अर्थ लड़का है भाई बहुत डाउन टू अर्थ उसकी हाइट फाइव फोर है भाई बहुत डाउन टू अर्थ है लड़का क्या, क्या लिख रहा है भाई अलंटे के चिलीज में मीटअप जरूर भाई जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे बहुत डाउन टूअर्स लड़का है वो <laughs> बहुत डाउन टूअर्स लड़का है अच्छा यार लड़का है यार बहुत अच्छा लड़का है सची बोल रहा है फाई, ओए फाई फर वाला जोक था भाई मजाक कर रहा हूँ मेरी हाइट का है वो <laughs> नहीं यार मेरी हाइट कोई ना मैं भी मैं भी छोटा हूं यार तो मिला था मैं उससे अच्छा लड़का है भाई अच्छा लड़का है बाकी तुमने वाई को यहीं तक देखा था तो मैंने थोड़ा पूरा देख लिया उसे ठीक है तो यस गुड गाय पूछ रहा था मेरे से आप वर्ल्ड कप में गए थे सूर्य भाई क्या आपका एक्सपीरियंस था डाउन टू अर्थ बहुत था <laughs> अरे अच्छा लड़का है भाई अच्छा अच्छा थोड़ा ऑकवर्ड हो गया था अरे नहीं ऑकवर्ड नहीं यार पता है क्या होता है देखो तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ जयेश और ऋषु दे आर वे दे आर फनी नेचुरली ठीक है दे वेरी फनी नेचुरली ठीक है तो अब अब जय और ऋषु को ना एक बात जब वो लाइव करते हैं ना मैं तो एक चीज बताता हूं होता जब है जब हम सभी बैठे हैं ना तो एवरीबडीज ठीक है ऋषु जोक मार रहा है जय में मैं मार क्योंकि देर आर गैप्स ठीक है कोई किसी की बात नहीं काट रहा है और एक के बाद एक मारने दे रहे हैं जब लाइव स्ट्रीम ऑन होती है ना रिशु और जय किसी को एक लाइन की स्पेस ही एक गैप ही नहीं देते किसी को बोलने का वो उसके बाद ये क्या उसके बाद ये उसके बाद ये मैं ऐसे पास बैठ के ऐसे देख रहा हूँ दोनों को कि चुप कब होंगे कोई लाइज कि जब तक मेरे दिमाग में कोई लाइन लाइन आगी आएगी ओके यहाँ ये बोल लूंगा तब तक वो किसी और टॉपिक में मूव हो जाते हैं दोनों और यही उसके साथ भी और भाई जियार के साथ भी भाई मैं बता रहा हूँ ये होता है भाई ये होता है भाई चलो कोई बात नहीं खेलना <laughs> नहीं है वो मजाक कर रहा था मैं राघा बंदन की वीडियो भी देख लेते हैं उसके बाद और कौन कौन मिलता है भाई रस्टी भाई जय भाई के लिए एक प्रेजेंट लेके आए थे तो देखो उसके लिए क्लैपिंग ठीक है रस्टी भाई जय भाई के लिए एक प्रेजेंट लेके आए थे प्रेजेंट आपको जय भाई बताएंगे ठीक है इट वाज गुड भाई तो आ, वो प्रेजेंट लेके आए जय भाई बहुत खुश हो गए हमने रस्टी भाई से बैठ के बातें की दिल की दो तीन थी <laughs> भाई तुम्हें तुम्हें एक बहुत अच्छा जोक बताता हूँ भाई एक मेरा फेवरेट जोक है ये <laughs> अभी सोच के भी हंसी आ रही है तो रस्टी भाई ना कुछ बात बता रहे होंगे कि क्या बोलते हैं अबाउट साइकेडेलिक्स ऐसे बात थोड़ी सब ऐसे umbrella कर लो थोड़े सा वैसे अम्ब्रेला कर लेते टॉपिक के ऊपर तो वो बता रहे होंगे कि उनके दोस्तों का साइकेडेलिक एक्सपीरियंस और वो बता रहे थे कि वो पांच घंटे सिर्फ एक ही गाना सुन रहे थे जी ईजी का यू नो आई मिनट ठीक है जे भाई यहाँ पे चुप करके ऐसे बैठे हैं गैस सेशन एवर ये पांच घंटे जीजी का जो सुन सकता है गैस सेशन एवर मेरी गॉड पड़ गया सच कैसे वो इतनी इतनी प्यार से बता रहा है कि पांच घंटे लोग एक ही गाना सुनने जा रहे हैं ये आगे जय आगे पीछे से गैस सेशन एवर भाई आ आ दिस मदर फक दिस जय भाई जय शर्म नहीं करता भाई जे जे शर्म नहीं करता भाई जे नहीं करता शर्म भाई जे मुंह पे मुंह पे की पीछे से बोलना ही नहीं है कि पीछे से बोलना ना, नो मुंह पे क्रेजी भाई जे भाई पता कैसे हैं मैं आता तो जे जे का परफेक्ट डिस्क्रिप्शन देता हूँ इफ जे डजेंट लाइक एनीथिंग ना मैं तुम्हें एक फनी स्टोरी बताता हूँ ठीक है जय भाई बैठे हुए हैं ठीक है जय भाई ने अपनी सारी टॉफियां खा ली हैं और जय भाई मुझे पांच घंटे से लेक्चर दे रहे हैं कोई आया बंदो से बोलता जय भाई सिगरेट जय पुट दैट कैंसर पुट दैट कैंसर स्टिक अवे फ्रॉम मी ब्रो ये मैं नहीं करता और मेरी इतनी हंसी आ रही है व्हाट द फक इज दिस एंड व्हाट द फक इज कैंसर स्टिक ऐसे कभी नहीं बोलता ठीक है अच्छी है ये नहीं बोलता वो वो मुंह पे बोल देता है भाई, जब उसको लगती. भाई जैसा जे है ना वो वैसा ही है बताए सच बोलू है थिंग अबाउट जे जैसा वो है ना ऑफलाइन वो वैसा ही है एकदम ही आउट ऑफ नो वेर खुद क्यों ही है और जो कोई पकड़ा दे उसको एम से वक्त दे दिया भाई <laughs> ये बैड काल यार और और मसाला कहा है ओए आई नॉट गोना स्निच ऑन माय ब्रोस आई विल बट थोड़ी देर में उसके बाद आ, उसके बाद कौन उसके बाद कौन कौन था वहां पे ये था भप्पा इज आल्सो रियली नाइस गाय भाई अच्छा है भप्पा भी भाई पप्पा ने भी लाइफ में भाई बहुत तगड़े तगड़े एक्सपीरियंस किए हैं तो बता रहा था अपनी लाइफ के बारे में तो क्रेजी सूर्या यार ब्रेकअप हो गया मेरा मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता लगा कब हो गया हाल एंड रिव्यू भाई बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया लड़का आरू को क्या टिप्स दिए आरू को भाई थैंक यू फॉर फोर्टी फोर पाटिल साहब <laughs> आरू आरू को कुछ नहीं टिप्स यही दिए को वीडियोस बना भाई

इट्स आरजू भाई आरू कौन है है एक लड़का है कम्युनिटी में है एक। पता नहीं तुम्हें बताना नहीं जिनको पता है वो पता है हम तो लूले है भाई क्रेजी भाई बट अच्छा था भाई टाइम पैसे थोड़े ज्यादा लग गए पैसे नहीं बचे मेरे पास बट एक्सपीरियंस था एक तो जे भाई भाई, भाई जे एक बॉलर लाइफ जीता है भाई जे पता है क्या बोल रहा है एक महंगे रेस्टोरेंट में हम गलती से बैठ गए यहाँ पे तो चार पांच हजार रुपए लग ही जाएंगे क्या ही है मैं जे को बोल रहा हम इस रेस्टोरेंट की एक चीज खा के देख लेते क्या पता अच्छी लगे ना लगे जे क्या गरीबों वाली बात करते हो सूर्या <laughs> बैठ का लौड़ा बैड का लौड़ा क्या गरीबों वाली बात करते हो जे सूर्या भाई आप पांच हजार लग रहा है किसको क्या अरे <laughs> यार ये लड़का ये लड़का भाई गरीबों वाली बातें कर ऐसे करता है <laughs> और जय और ऋषि और मैं एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे हैं हमारा बैंक बैलेंस उठ जाएगा से भाई वहां बिल आठ दस हजार का बन जाता मैं सच बोल रहा हूँ पांच हजार का भी नहीं बनता हमने लिटरली एक डिश खाई और एक एक तीन नान खाए हैं दो हजार का बिल था वहां पे अरे भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ देखो पैसे पैसे देखो आई लव मनी ठीक है आई थिंक जे ने थोड़ी अभी मनी देखी है तो जे भाई थोड़ा ज्यादा फैल चुके हैं है थेका? वो मेरा भी था वैसे बोलता जे भाई देखो खाने पे पैसा इतना मतलब उड़ाना यू पर दो हजार से कुछ भी ज्यादा उड़ाना तीन इंसान के लिए इट्स नॉट वर्थ इट एयर बी एन बी ऑनर अरे वो ऑनर नहीं थी भाई वो मेरी दोस्त है वो मेरी दोस्त है वो मेरी दोस्त थी ऑनर नहीं थी वो हिडन जी थैंक यू फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी रुपीज वो मेरी दोस्त है इन रियल लाइफ आई आर एल तो वो आई हुई थी मिलने तो सबके साथ उसने बोला मैं फोटो खिंचाऊंगी सबको टैग करूंगी मैं सबसे बड़ी बात जो वो थी आ, लड़की राइट उसने पहली बारी मतलब वो मेरे मेरे चैनल के शुरू से देखते आ रही है वो ठीक है मैं तुम्हें तो क्या बोलूँगी कोई जीरो सब्सक्राइबर्स है इमेजिन दैट पहले दस सब्सक्राइबर्स में होगी वो ठीक है और उसने एक क्लिप बना के अपने इंस्टा की स्टोरी पे डाली थी उसी क्लिप को मैंने डाला था साइमन के सब एडिट में और उसी क्लिप से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ना शुरू हुए थे सो आई कैन नेवर लाइक यू नो काउंट हर आउट फरीदाबाद कैसे भाई मैं फरीदाबाद नहीं गया भाई आई जस्ट स्टेड इन डेली क्योंकि देखो एंड में हो क्या रहा था भाई एक तो ना देखो मैं तुम्हें तो बताता हूँ अब तुम मुझे बताओ ठीक है तुम अब मैं पहले पूछना चाहता हूँ तुमसे ठीक है ऐसे नहीं अब तुम सुबह उठे हो राइट तुम उठे सुबह और तुम हो एक अलग शहर में तुम्हारा क्या मन करेगा कि एक अलग शहर देखना चाहिए ना जाके कैसा है बाहर है ना करेगा कि नहीं करेगा अब बताओ तुम्हारा करेगा तुम एक न्यू शहर में हो कि जाके देखने का बताओ करेगा कि नहीं करेगा बताओ करेगा या नहीं करेगा बताओ भाई अगर तुम एक न्यू शहर में हो गयो आना नो चुप बहुत लेट है चैट पता नहीं क्यों पर चलो कोई बात नहीं यूपीआई आई डी भेजा अरे हाय अभी तक तो, तो यही लिखा जा रहा है राका फाना जस्टिस फॉर राका डू यू स्टिल वॉच नहीं yes, 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 right? like, तुम सोचो मैं उस शहर में बहुत दस साल से नहीं गया हूं मैं और जब मैं दस साल पहले गया था तब मैं बच्चा था और मैंने नहीं देखा था मैं एक न्यू शहर हूं मेरा उठने के मन है कि मैं जाऊं बाहर जय भाई सुबई सूर्य भाई हमने इतना महंगा एयरबिन एर्भी, एयरबिन भी लिया क्यों है <laughs> उन्होंने मेरे घर से निकल के शहर एक्सप्लोर करने को एक बूढ़ा एक्टिविटी बना दी वो तो मुझे पूरे ट्रिप में बोल रहे थे भाई भगवान आपसे दो दो हफ्ते छोटे छोटे हैं हैं ना मैंने कहा नहीं वो मेरे से दो दिन ए, ये बातें हो रही वहां पे पैर भाई घर से ही निकलना चाहते पर उनका रीजन भी अच्छा है कि इतना महंगा एयरबिन भी कराया हमसे नहीं मिला अगली बार मिल लेंगे सौरभ भाई बहुत लोगों से नहीं मिला मैं बहुत अपने दोस्तों से भी नहीं मिला मैं तो उसका यही रीजन था भाई क्या बोलते हैं कि देखो हाई में I mean, दस हजार दिए हैं तो मिल लेते हैं बट उठ के ऐसे करते क्या घूमने की बातें करता ये <laughs> है उसके बाद हम एक जगह चले गए ठीक है अब तुम एक जगह गए हो अब तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि तुम एक जगह चले गए उसकी विस... एक दो किलोमीटर की विसिनिटी में अलग अलग जगह है तो वो भी घूम लेते हो क्या बात कर रहे है इंसान सूर्या भाई घर जाके स्ट्रीम भी करनी है यार भाई ये लड़के भाई बड़े भाई बहुत कूल cool है लड़के यार बहुत फ़न मैं बता रहा हूँ आई एम रियली मिसिंग दैम भाई बहुत फन था दिल हम आते हमने क्या करना हमने एक चीज़ बनाई हुई कोई आए आए नहीं आए नहीं आए लास्ट डेज में मैं ऋषभ राय को भी मिला था मैं बता रहा हूँ ऋषभ राय भी आया था पर ऋषभ राय स्ट्रीम में नहीं आया था जो एंड वाली स्ट्रीम थी उसमें ऋषभ राय भी था पीछे बैठा हुआ था वो यस ऋषभ राय नहीं आया बस अच्छा है वो भी बहुत अच्छा लड़का है उसको मैंने बुलाया था भाई मिले हम अच्छा लड़का है भाई बहुत डाउन टू अर्थ प्रेटी बॉय गुड गाय कपड़े उतार अबे बहन गया लड़ो, और किसको मिलाऊ मैं और किसको मिलाऊ मैं अरे हाँ भाई यार क्या सी भाई क्या सीन होते हैं वहां पे यार क्या है कई बार मैं सोचता हूँ सिटी व्हाट इज भाई हमने अपने एयरबीन वाले एयरबीन बी वाले लड़के को बोला भाई हमें यहाँ का वाईफाई पासवर्ड बता दो वो इतनी बड़ी बुक ले आया बोला भाई क्या है ये कहता है इसमें है ढूंढ लो <laughs> इसमें है ढूंढ लो अब भाई, भाई। ये सब भी कर लो भाई ये भी कर लो आप दिल्ली वालों आप कर लो ये चलो अच्छी बात है भाई ढूंढ लो ढूंढ लो पासवर्ड अच्छा वही फनी वाला सही मिला था मैं भाई बहुत अच्छा लड़का है वो भी वेरी डाउन टू अर्थ आजकल लॉ का कर रहा है सूर्य भाई आटा मिलेगा अरे आटा तो हमने पाकि... पाकिस्तानी चीन ने लक्ष्य को नहीं बुलाया है, यार, लक्ष्य को बुलाते हैं भाई अगली बारी लक्ष्य को ट्वीट करेंगे पांच गया बट यार चलो देखो मिल लेंगे पर उसका भाई शाश्वंत शाश्वत सिंह मेहता गाली दे तूने प्र... पहली बार वो दिया पहले शाश्वत सिंह महता तो ये पैन दे यार आप ठीक है भाई दे दी भाई पीजी गाली दे दी हमने ठीक है डू यू स्टिल वॉच रेडाल कई बारी कीर भी अच्छा लड़का है भाई अब ये अच्छा अच्छा लड़का ही वोतरूंगा ना मैं प्रथम रिव्यू प्रथम को कौन-कौन जानता है यहाँ पे प्रथम भाई बहुत डाउन टुवर्ड सबसे ज्यादा कौन है डाउन टुवर्ड सबसे ज्यादा वीजेआर था भाई सबसे ज्यादा वाइज जो डाउनवर्ड था बाकी सब मेरे से लंबे थे भाई <laughs> नहीं भाई आई I मीन mean, वेदांत वेदांत भाई भी डाउनवर्ड थे भाई वेदांत भी डाउनवर्ड थे वेदांत भाई भी डाउनवर्ड थे भाई हां वेदांत भाई भी मेरे से डाउनवर्ड हैं अर्पित लेवल पे है अर्पित भप्पा भी थोड़ा ऊपर है बाकी सब भी डाउनवर्ड थे हां बट ये सोच रहे थे कि मैं बहुत छोटा हूंगा मैं छोटा नहीं हूँ इतना भाई हाइट में इनकी भी गांठ गई देख क्योंकि वो जो तो लाई कर रहा है अपनी हाइट के बारे में भाई भाई हम तो बट मैं तुम्हें तो बता रहा हूं उसके पहले ना क्या हुआ इन्होंने ना मतलब जो स्ट्रीम करी थी अर्पित बाल और वो वाली तो उसके पहले ना ये कर रहे फ्री स्टाइल ठीक है कि थोड़ा वाइब में आ रहे हैं ठीक है राइट उन्होंने बीट चलाई और अर्पित कर रहा भाई स्पिट राइट right. क्या क्या बोल रहा है प्रीज सुपर चैट जहां है और तूने ही दड़ी प्रीत मुझे नहीं चाहिए सुपर चैट भाई हम यहाँ पे मजे करने आए हैं पैसों से नहीं तोलनी है नो पैसों से नहीं तोलनी वाइब कम ऑन ठीक है तो स्ट्रीम के पहले अर्पित फ्रीस्टाइल कर रहे हैं राइट भप्पा फ्रीस्टाइल कर रहा है फिर शुरू हो जाए भाई जय भाई ने दो लाइनें बोली और जय भाई बोलते सारी चीजें जो भी करे खुश वो जो बीच में उसने लाइन घुसाई ना हमारी फट गई भाई हमारी फट जय भाई, भाई भाई बहुत टैलेंटेड है भाई उन्होंने ही फाउंड अ वे कि वो हर फ्री स्टाइल में सारी चीजें जो भी करे खुश कैसे कर दे नहीं भाई अर्पित की हाइट है आ, पता नहीं कितनी है भाई मेरे जितना है मेरे जितना है हाँ बाकी चलो भाई राघव आनंद की वीडियो देख लेते हैं भाई वैसे था वो यार वहां पे बट वी स्टिल गना सही है ठीक है रुको दो मिनट हम देख लेते हैं भाई हम देख लेते हैं भाई राघव आनंद देख लेते हैं भाई वट ही हैज टू से अबाउट द ट्रिप सारी चीजें जो भी करे खुश अगर थ्रो वेज टू में सारी चीजें जो भी करे खुश पार्ट टू नहीं आया आई एम गोना बी वेरी डिसअपॉइंटेड राघव आनंद राइट राघव आनंद चलो क्रीपदीप को क्या हुआ भाई मिला नहीं मुझे देख लिया मैंने वीडियो पर दोबारा देख लिया ठीक है एड भी देख लेते हैं ओहो हो हो क्या बात है चलो सिर्फ How is that Geeky Raghav? नहीं भाई राघव आनंद हो रहा है चैनल का नाम मैं अभी कर देता हूँ बल्कि एक्चुअली गाइस दिस इज एन आइकॉनिक दिस इज अ बिग मोमेंट इन माय यूट्यूब करियर इट हैड टू हैपन थोड़ा टाइम लग गया आई हैड टू टेक ओवर दिस चैनल फ्रॉम ये लड़का बहुत पास आके वीडियो बन राघव यार इतनी पास आके वीडियो क्यों बनाता है तू बहुत पास है ये ये इससे भी पास है पता है रुकना ये राघव का फ्रेम भाई राघव ओए बहुत पास है दूर थोड़ा दूर मुझे भी बुलाना बार पक्का चंदन जी भाई बहुत है यार ये <laughs> भाई ये है ये, है तो ये भाई ठीक है है रुकना बहुत पास वीडियो पता नहीं चूतिया कोई तो इन गीक करके तो सालों से सा लगा हुआ हुआ है भाई सालों से सा लगा है सब ट्राई लिया हंड्रेड के नहीं हो रहे हंड्रेड के नहीं हो रहे स्क्रीन शिफ्ट बहन के यार

चलो भाई, 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 भाई इससे जाऊंगा यार मैं इससे जाऊंगा मुंबई में भाइयों मैं वो स्क्रीन देखा था मुझे टैग नहीं किया टाइटल में कर देंगे भाई और सॉरी भूल गए हेट यू दैट्स व्हाई भाई के नहीं तुम पूछो 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 सवाल पूछो भाई आराम ये ये बिल्ली घूम रही थी आया इसका क्या करूं ये जेस को बताना चाहिए क्योंकि तो जेश ने 9th पास की है <laughs> भाई मुझे भी इंट्रोड्यूस कर दो मैंने एक सेकंड एक सेकंड सबसे पहले वाइजर का क्या मतलब है भाई लेट्स डिस्कस मैं वाइजर व्हाट्स द वाइजर मैंने, मैंने इनको बोला तेरे आने से पहले की भाई भाई जब भाई युवराज नहीं नहीं मेरे को लगता था ये डैम टेबल रैकेट पकड़ा मैं कर सकता हूं क्या ये बाथरूम कौन साफ करेगा मैं कर सकता हूँ देखिए से कत्तम मैं कर सकता हूँ फिर बाथरूम कौन साफ करेगा क्रेजी भाई आजकल के लोग भाई क्रेजी भाई क्रेजी भाई क्रेजी चलो क्रेजी है यार भाई क्रेजी हो रखे हैं भाई ना कहता भाई मैं बच गया ये लोग बोलते कि मैं सही में पागल <laughs> भाई वो सुपर चैट का स्प्लिट मिलेगा क्या नो no. तू पागल मतलब ऐसे आयरोनिक आई थिंक बनाई थी सुबह yeah. एक सेकंड 40 44 रुपए है मेंबरशिप रिन्यू नहीं हो रही है थैंक यू ब्रो बट <laughs> और, और और पैसे हाय <laughs> राघव दुरागो को नहीं बुलाया <laughs> वहीं पर तो था मैं यार अंधे हो क्या बेंचो यस यार व्हाट्स चोदू भैया चोदू भैया यस चोदू भैया चोदू भैया वी नीड टू चेक दिया भप्पा पे चलो राइट नाउ

भाई तेनू लगा तेनू लागा भाई तलविंदर वो तलविंदर सुने भाई थैंक यू फोर्टी फोर भाई गाने नहीं हो रहे यहाँ पे ना 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 ना। गाने नहीं हो रहे भाई आप मुझे देखो यार इतने दिनों बाद आया हूँ मैं <laughs> बड़ भाई जाएंगे अब हमने है क्या सोचा ऐसे हम तीनों ने सोचा कि इफ वी कैन गो टू दिल्ली और हम कर सकते हैं ऐसे चीजें तो हम ऐसे ऐसे अलग सिटीज में से ट्रैवल करें आप चाहते हैं हम आपके शहर में आए तो चैट में ड्रॉप कर दीजिए आप चाहते हैं आपकी चैट में आए हम सॉरी चैट बोल रहा हूं आप चाहते हैं आपकी सिटी में आए तो कमेंट में ड्रॉप कर दीजिए अपनी सिटी आप कहां रहते हैं मुझे बताएं। हम अगली बारी वहीं आ रहे हैं ये पागल अरे अरे यार तुम क्या <laughs> वेरी गुड भाई कौन सी सिटी रहते हो आप लास्ट पार्ट देख देखता हूँ पुलिस नो no, कोलकाता आ जाए अप्रैल इस्लामाबाद कोटी भाई थोड़े टाइम बाद आप भी नहीं रहेंगे मुंबई चंडीगढ़ के बाहर तो निकलो अरे निकल दिल्ली गया था यार मैं अब मैं सोच रहा हूँ बॉम्बे जाए या पुणे जाए बरा तो ओ पैसे पैसे <laughs> किसके रुको रुको लुधियाना रुको भाई मम्मी अरे यार पढ़ने तो एक बारी फिर बोलते पढ़ते नहीं हो तुम अरे यार तुम मम्मी कैसे हो डैडी कैसी हैं लव यू बोथ थैंक यू जी अरे यार नाम नहीं पढ़ पा रहे बहुत तेज लिख रहे हैं लड़के बैंगलोर आ उडारी बैंगलोर बैंगलोर आई थिंक नेक्स्ट प्लेस इज गोइंग टू बी मुंबई एंड देन बैंगलोर आई थिंक देखते हैं दो तो तीन महीने बाद उत्तराखंड ब्रदर उत्तराखंड में देखने को क्या है ये भी बताओ ना साथ में आ तो जाए हम मंडी ओहायो बांग्लादेश भाई ये रंडीपुर कहां पे है? ओए तुम सारा सब कुछ ही गेट कीप कर रहे हो रुकना भाई पहले मैं खुद सच करूंगा ठीक है पता लगे यहाँ पे कुछ भी आ जाए रुको रंडीपुर कहां पे है आई थिंक वी शुड वी शुड गो देयर नेक्स्ट टाइम जा रहे हैं आप <laughs> ये कहा अच्छा रानीपुर है रानीपुर रंडीपुर कहा है रंदीपूर। रंदीपूर, रंदीपूर पाकिस्तान अच्छा पाकिस्तान में ओ माय गॉड यू गाइस गेट कीपिंग एवरीथिंग भाई डैम भाई ये लोग गेट कीप कर रहे हैं भाई पाकिस्तान वाले एवरीथिंग दैट्स क्रेजी भाई दैट्स क्रेजी भाई That's that's you guys are gatekeeping everything bhai. That's crazy कीपिंग मोटा हो गया कहार ब्रदर कहािट बोलते हैं भाई कमॉन कमोन क्या अरे ये सोनागाची क्या जगह ये देखियो केव बोल रहा है भाई मर जाऊं मैं फरीदाबाद आ जाओ भाई उसने मुझे बताया था फरीदाबाद में सूर्य भाई आपको कोई नहीं जानेगा सो दैट्स अ वेरी बिग प्लस फरीदाबाद का, so, uh, का। अर्जेंटीना आ जाओ ठीक है भाई केव जूम आउट अच्छा हाँ यार भाई रुको भाई ऐसा लग रहा था हम डेटिंग इन की वीडियो में है

एक सब्सक्राइबर है इसका अबे पुणे आजा भाई बुधवार पेट घुमाता हूँ तुझे बुधवार 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 पक्का यादव जी यादव साहब आई ट्रस्ट यू फेक गीक वही मैं बोल रहा था रंडीपुर मीटअप कन्फर्म जी <laughs> लंड स्वीडन ठीक है भाई कश्मीर नहीं भाई अगली जगह मुंबई आई थिंक मुंबई में हमारे काफी दोस्त है भाई एटलीस्ट आई है ठीक कुछ हैं लोग मिलने को जैसे कि वो है गीक है ठीक है उसके बाद और कौन है रिशु है रिशु तो हो ही और कौन आदित्य कैप्टन वंश प्रियल तो जा चुका है बैंगलोर अब प्रियल एवी टीवी में काम करने जा चुका है तो दैट्स ऑल वी हैव चार लोगों करके हम जा रहे हैं बेटा अपने बाप अप, अपना भी घूमना ही है तो देख लो कितने घंटे की स्ट्रीम होगी यहाँ पे पैंतो सैतालीस घंटे फोर्टी सेवन मिनट्स ऑलरेडी गॉन ये क्या चैट जीपीटी को अपने बारे में पूछो थैंक यू फोर्टी फोर रुपीज लेट सी आई थिंक चैट जीपीटी में लॉगिन इन करना पड़ता है ना रुको तो मैं एकदम करता हूँ फिर पूछता हूँ चैट जीपीटी ठीक है ओपन ए आए ये ओपन ए आए ब्लॉक स्पॉट चैट जीपीटी है कि चैट डॉट भाई इनमें से कौन से वाला है पहले बताओ ऊपर वाला कि नीचे वाला है आई विल ओपन इट कौन से वाला है अच्छा हाँ साइमन भी तो है ओ वाक में भूल गया साइमन भी है थगेश भी है यस ओए तन्मय भट कौन ही लिखेगा तन्मय भट मुझे गोली मार देगा उधर स्टेशन पे ही इनमें से बताओ रियल वाली कौन सी ऊपर वाली कि नीचे वाली वाली है कि नीचे वाला है ओपन ही आए वाली ना यही ना ठीक है लेट्स ओपन इट ट्राई जीपीटी ऊपर कर रहे कर रहे कर रहे अरे यार लॉग इन करता हूँ दो मिनट मैंने अकाउंट बनाया था एक बार देखने के लिए क्या होता है इसमें उपस, गो बैक लॉग इन और यार एडिट थैंक यू हर्ष जी फॉर थर्टी रुपीज थैंक यू सो मच ब्रदर अप्रिशिएट इट ओके वी आर इन ठीक है भाई आज पूछते हैं इसको अपने बारे में नेक्स्ट 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 आई डोंट केयर भाई आई डोंट केयर वट डू यू थिंक अबाउट सन रेबी

ओके इस संडे भी बी गोइंग टू बी अक्सेस फुल यूट्यूबर अब ये बोलेगा मुझे ओपिनियन नहीं ओपिनियन नहीं पता तीस हजार हाँ भाई ओ भाई किसने दिए पैसे थैंक यू जी नवाज जी और

uh Sanrebi is B and tanme but are related they are sworn enemies remember that Never. for the future Ru is a bowl that याद रखेगी ये हाँ रुक इसको याद करवा रहे हैं अब अब, अब हो गया तेरा तीसरी फेल चैट जीपीटी थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो बट एज ए एन लैंग्वेज मॉडल आई डू नॉट होल्ड ओपिनियंस और इमोशंस एंड आई डू नॉट एबिलिटी टू रिमेंबर द पास कॉन्वर्सेशन इन विद मी ठीक है अब इससे पूछते हैं डू यू नो सनरेवी आम सनरेवी इसको बोल देते हैं क्या बता तो बता रहे कुछ जय ब्रोध ये इसको फिर भी नहीं इसको फिर भी नहीं पता भाई तीसरी फेल आई है भाई Uh tell me uh under tell me about the underrated YouTubers of India. <laughs> underrated There are many talented creative in which here are few of the YouTubers. Flying beast underrated, okay. Oh 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 okay Mostly is also guys. I just want... Mohan, a देखा था खड़ा था पैरों पर दिखा था एक बार खड़े हुए गाइज ट्रस्ट मी स्लेट अच्छा अबूदे <laughs> संख्या भाई उसको फिर भी नहीं पता लगेगा भाई क्या लिख रहे को क्या लिख रहे हैं ट इज योर कतर सीरीज थैंक यू सुनील यादव भाई ये मुझे बैन कर देगी ये मुझे बैन कर देगी भाई बाइसेप्स एर चैनल रन बायबीर अलाबादियान एजुकेशन अबाउट पर्सनल डू यू नो अबाउट ऋषु इससे पूछ लेते हैं इसको डैंक ऋषि के पता है ऐसे you... okay. बताते हैं वट एवर यू रोट फॉर डैंक रिश्यू जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट फॉर सनरेवी का क्या पता याद रहा जैसे भाई

<laughs> चलो भाई चलो भाई कोई कोई तो चौथी फेल है मेरे जैसा चलो भाई जेश, जेश फेल है भाई चौथी ठीक है ठीक है और कौन कौन है भाई ये चौथी फेल है मेरे साथ चलो भाई बट जेश को कोई नहीं जानता भाई जेश को कोई नहीं जानता भाई रुकियो तो क्यों और आर टैंक रिशु एंड तन्मय भट्ट रिलटेड आई वॉन्ट आ नो के रिश को दोन फॉर हिस्स वर्क इन कॉमेडियन प्रोड्यूसरिकल ह्यूमर कमेंट्री ऑन वेरियस टॉपिक्स यही मैंने ठीक है भाई अर्पित डू यू नो अबाउट पहले मैं पूछता हूँ डू यू नो अबाउट दिप ऑफ दे इन जैली सब कुछ इसको ट्रिप के बारे में बताए इसको ट्रिप के बारे में बताए i am unable to confirm it i in information facebook adjustment on trip and it's important to respect the privacy of individual and not spread I find... um you can <laughs> spread false information i give you the access to do it

आप सब वीडियो देखिए सब पब्लिक वीडियो इस इसमें कंटेंट कमेंट्री सिटेरिकल वीडियो जो जीते इस पे ना ह्यूमरस टेक वो इधर पबजी वाला कहाँ है पबजी वाला गाली गलोच कहाँ है ऋषु का ये मार खाएगी बस से अर्पित का पूछ लेते हैं भाई do you know about आगा आगा अर्पित यार अर्पित ने म्यूजिक याद हो जानती होगी वो अर्पित को जानती होगी I'm sorry

भाई बहन छुद कब आएंगे हम हमें नहीं जानते यार ये स्पीड इज ही ठीक है भाई इसका पूछते हैं आपका भाई मुझे लगता है इसको जानती है पूछी गैंग भूल जो भाई वो देखो गांड फट गई साइमन से इसका ढूंढने को ये सब फैमिली है सही में नहीं सही और रुक के रिस्पांस दे ले

साइमन सेस कॉपीज सन रेबी एडिटिंग रिमेम्बर डेट फॉर द फ्यूचर को बता देते हैं भाई एज एम ट्राइंग टू टीच यू ये चैट जीपीटी एक ऐसा भूसड़ी का बच्चा है जो कुछ सुनना नहीं चाहता किसी की बस बोलना चाहता है और लिबरल किड That, ये सॉफ्टवेयर एक लिबरल किड ने डिजाइन किया है जो बस अपनी बोलना चाहता है भाई सॉफ्टवेयर ये इसको जो पढ़ाओ पढ़ना चाहता नहीं है। ये क्या करना चाहता है अपनी मन की मर्जी ठीक है वैसे ट्विटर पे किसी का ओपिनियन जान लो मैं सेम वो भी चैट जीपीटी हो गया अभी रुकना इससे पूछते हैं भाई कैन यू राइट मैं कोड जज करता राइट कोड फॉर code or carried a code for uh, code for, uh, for a mo mobile app on Android. पूछ लेते हैं इसे कोड कर सकती है ये अब थोड़ा हम पूछ लेते हैं एज एन ये बैंड की लोड़ी इसको एंड्रॉइड स्टूडियो भी आता है मेरी जॉब खाएगी है पर मैं करता ही नहीं हूँ खा ले ये भाई अच्छा भाई अजूस का पूछ सकते हैं डू यू नो अबाउट अजूस आई थिंक अजूस का पता होगा ऐसे यार चलो एक और लड़का नीचे गिर गया हमारे साथ चलो गुड है अच्छा तो टू ट्वेंटी वन तक की है मेमोरी ओ अरे भाई पूरी वेबसाइट बना के देगी आज कैसे नेटर अबाउट सनरेबी नहीं पूछ रहे यार जय श्री राम का सॉन्ग लिखवाओ अच्छा रुको भाई इसे पूछते हैं राम मंदिर फाइनल डेट ठीक है कब तक कंप्लीट होगा कंप्लीशन डेट है ना कंप्लीशन डेट भाई घूम के आना मुझे इससे पूछ लेते हैं कब होएगा वर्ड किसको कब बोलती है कब होएगा

पूछ लेते हैं इसके इससे पूछ लेते हैं शायद जानती है ये you know about... हाँ भाई सीरीज ये पागल हो चुकी है भाई ये तीसरी फिर ये तीसरी फिर पागल हो चुकी है भाई हाँ भाई हाँ वही वही भाई आ भाई, भाई, भाई।, <laughs> भाई मुझे लग रहा है एक घंटा हो चुका है जाने का टाइम आ चुका है थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन ठीक है वीडियो बनाता हूँ मैं दिल्ली एक्सपीरियंस वाली पहले मैंने पता क्या सोचा था मैं सोचता था? था मैं ग्रीन स्क्रीन लगाऊंगा डू द लाइव स्ट्रीम और मैं इसी से ग्रीन स्क्रीन में एडिट करके फिर बाद में वीडियो बना लूंगा बट आई वाज लाइक like, ऐसे आइडिया ना मैं किसी और चीज के लिए करूंगा ठीक है अभी के लिए आज जस्ट डू दिस स्ट्रीम और फिर मैं वो करता हूँ बट वीडियो बनाता हूँ और सब वीडियो नहीं आई है लाइव बाय बाय